इस जंगलों में हाथी रहता है, कोई ठीक नहीं है, यहाँ से भी आ सकता है। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे ही हाथी है, क्योंकि हम लोग को पता चला है यहाँ से। हेलो दोस्तों, स्वागत है सर स्टार ब्लॉग में। दोस्तों आज देखिए, हम लोग ड्यूटी करके आए हैं और हम लोग फील्ड तरफ आने में लेट हो गया दोस्तों। आज हम लोग को खेलने नहीं दिया गया, देख सकते हैं। अभी हम लोग बाहर इधर बैठे हैं और ब्लॉग शूट कर रहे हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम लोग अभी ड्यूटी से आए हैं और खाना वाना खा के इधर फील्ड तरफ घूमने के लिए आए, तो हम लोग को लेट हो गया गाइस, तो खेलने नहीं दिया गया है और हम लोग बाहर ही बैठ के इंजॉय ले रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं, जो वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं वीडियो के बीच में। गाइस आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को देखिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन बढ़े और वीडियो बनाने का मन भी करे, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के बाद फिर निकलते हैं और वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं आप लोग के लिए। और आप बिहार से देख रहे हैं, हमारे अगर गाँव से खास करके देख रहे हैं लड़के लोग, तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप वीडियो बने रहिए, आपको दिखाता हूँ। अभी इधर प्लान देखिए चालू है, देख सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस खंभे के ऊपर जो रेड लाइट जल रहा है, उसका क्या मतलब है आपको बताता हूँ। जैसे इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे धुआं निकलने का खंभा जो बनाया गया है, तो रात में हेलीकॉप्टर वगैरह या ऐसा कुछ अगर आए तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ है, इसीलिए रेड लाइट लगाया गया है ताकि वो जलता रहता है। देख सकते हैं किस तरह से लगाया गया है। गाइस अब वीडियो बने रहिए, हम मिलते हैं वीडियो के बीच। तो गाइस देख सकते हैं कि चिमनी के ऊपर जो रेड लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये है रात में अगर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ अगर आता है, तो देख सकते हैं इतना हाइट में चिमनी है, तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ है, इसके नीचे हमको नहीं आना है। देख सकते हैं गाइस, और हम लोग आज लेट कर दिए आने में, तो हम लोग को खेलने नहीं दिया गया। देख सकते हैं हम लोग कितना दूर बैठे हैं फील्ड से, और ये हमारा एरिया है यहाँ का टाटा स्टील का। देख सकते हैं कितने लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो देख सकते हैं गाइस, हम और दिलीप कैसे हम लोग बाहर में आके बैठे हैं, पूरा जंगली एरिया में। देखिए हम लोग को खेलने नहीं दिया गया, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही लेट से आए हैं। इधर फील्ड तरफ देख सकते हैं, पूरा जंगल में हम लोग आके इधर खड़े हैं और यही से ब्लॉग निकलती है पूरा दबा दबा के। ये सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटा का बटन जरूर दबाइए। क्यों घंटा का बटन जरूर दबाना? घंटा का बटन नहीं दबाएगा तो हम लोग का माइंड भी नहीं खुलेगा कि कल का वीडियो कहाँ जाके बनाना है। क्यों बनाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। हाँ पान हम खाते रहे, आशीर्वाद दीजिएगा तो पान खा पाएंगे, नहीं तो कहाँ खा पाएंगे। ऐसे जंगलों में हाथी रहता है, कोई ठीक नहीं है, यहाँ से भी आ सकता है। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे ही हाथी है, क्योंकि हम लोग को पता चला है यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे हाथी है। बहुत विशाल विशाल हाथी है दोस्तों। तो इस वीडियो को यही पे अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।